नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी के आदेश अनुसार व प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली जी के निर्देश पर लगातार छावनी विधानसभा अध्यक्ष मुबीन खान जी ने व मुन्ना खान जी के सहयोग से आज सफाई कर्मियों वॉरियर्स का साफा लिफाफा व गिफ्ट देकर सम्मान किया गया। और मुबीन खान जी ने बताया कि लॉकडाउन हुआ है, वह लगातार रोजाना हाई कमान के आदेश अनुसार कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना व गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और वह आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी का व प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली जी के आदेश का पालन करते रहेंगे। आगरा से आमिन अली की। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वेडिंग नितिन कोहली जी की आदेश निर्देश अनुसार लोग लगातार छावनी विधानसभा के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर लगातार लोगों को राशन बांटना, लोगों की मदद करना, उनके घर घर जाकर लोगों की मदद करना, और आज हमने इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर कोरोना योद्धा यानी सफाई कर्मचारी जो लगातार सब कुछ भूल कर मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्रों में सफाई कर रहे हैं, आज उनका हमने सम्मान रखा और सभी सफाई कर्मचारियों का और सुपरवाइजरों का हमने सम्मान किया। मैं सभी क्षेत्रवासियों से और सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि आप सभी भी अपने क्षेत्र के लोगों का और लोगों की जो आर्थिक स्थिति उनकी जो खराब है उनकी कहीं ना कहीं मदद करें। और सभी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर सभी लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि ये जंग हमारे घरों में रहकर ये जंग लड़ी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं मुन्ना खान, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को संदेश छावनी विधानसभा आगरा। आज हमने जो एक छोटा सा प्रोग्राम कार्यक्रम रखा माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के आदेश अनुसार, भाई नितिन कोहली जी भैया के आदेश अनुसार, जो हमारे कोविड-19 के योद्धा जो सफाई कर्मी हैं उनका हौसला बुलंद किया। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 यानी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए इन जैसे योद्धाओं ने हमारी रक्षा की और उनका हौसला बुलंद किया। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।